नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स। ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में है नजमा खातून, मिडिल एजड है, रिमेटिक हार्ट डिसीज है, माइट्रल स्टेनोसिस है। पुराने एक रिकॉर्ड में बताया गया इनको एलए में क्लॉट था, और एक पुरानी हिस्ट्री स्ट्रोक की भी है, ब्रेन स्ट्रोक की भी है। तो सवाल आज का ये है, एम्बोलिक स्ट्रोक यानी कि हार्ट से निकला हुआ क्लॉट ब्रेन में चला जाए और पैरालिसिस हो जाए, तो उसको नॉन एम्बोलिक स्ट्रोक से कैसे डिफरेंशिएट करें। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक यूजुअली कॉर्टिकल होता है, यूजुअली सडन होता है। जो पैरालिसिस होती है वो एकदम से आती है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में धीरे धीरे आती है, पहले हाथ में, फिर पैर में, फिर पूरे राइट हैंड के अंदर में। तो चांसेस हैं कि ये, और इनको हमेशा अंडरलाइंग हार्ट डिसीज मिलेगी या एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा। जैसे इस केस के अंदर में जो हिस्ट्री है रूमेटिक हार्ट डिसीज की, और इसको अगर स्ट्रोक हुआ, सडन ऑनसेट स्ट्रोक हुआ, और अगर वो रिकवर हो जाता है स्ट्रोक, इसका मतलब है क्लॉट पूरा डिजॉल्व हो गया। सो रिमेंबर, एम्बोलिक स्ट्रोक्स आर सडन इन ऑनसेट एंड दे आर कॉर्टिकल एंड मोर चांसेस ऑफ हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन। थैंक यू।